नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं इंटरनल कम्बस्टन इंजन में, अभी शुरू ही कर रहे हैं, तो चार क्वेश्चन ही किए होंगे। आप उसको भी देखें। इंजन ऑफ डिफरेंट सिलेंडर डाइमेंशंस, पावर एंड स्पीड कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। दोस्तों, जो अलग अलग तरीके के इंजन है, जैसे आप गाड़ी भी कंपेयर करेंगे, मान लो एक ही सेगमेंट की गाड़ियाँ आप लेना चाह रहे हैं, कोई SUV लेना चाह रहे हैं, तो उसी रेंज में अलग अलग कंपनियां अलग अलग गाड़ियां बनाती हैं। टोयोटा हो या फिर ऑडी हो, महिंद्रा हो या फिर टाटा हो या फिर मारुति हो, बहुत अलग अलग कंपनियां, और आजकल तो किया वगैरह और भी आ गई कई सारी। तो किस बेसिस पे आप कंपेयर करेंगे? एक तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है दोस्तों, एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर कहते हैं, कितना पावर जनरेट करता है। उसके लिए एक मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है दोस्तों, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और एक और पैरामीटर आप कह सकते हैं कि कितने सीसी का इंजन है। जितने ज़्यादा सीसी का इंजन होगा, उतने ही ज़्यादा वो पावर डेवलप करेगा। और वो कितनी पावर डेवलप करेगा दोस्तों, आइए अगर मैं आपको दिखाऊं, तो कुछ इस तरीके का इंजन का सिलेंडर रहता है, पिस्टन रहता है, और ये ऊपर नीचे होता है। नीचे होता है तो सक्शन यानी फ्यूल या फिर एयर पिक्चर या फिर एयर को वो सक करता है, और फिर उसके बाद फिर जब ये ऊपर जाता है तो कंप्रेस होता है और फिर वहां पे इग्नाइट कर देते हैं, तो फिर से ये तेजी से नीचे आता है, वही हमारा पावर स्ट्रोक रहता है। ये है दोस्तों TDC, टॉप डेड सेंटर। इसके ऊपर नहीं जाता पिस्टन, ये इतना क्लियरेंस वॉल्यूम रहता है। और ये BDC, बॉटम डेड सेंटर, और इसको कहते हैं स्ट्रोक लेंथ, इसको क्लियरेंस वॉल्यूम, इसको स्वेप्ट वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहा जाता है। यही है हमारा सीसी, कितने सीसी का आपका इंजन है। 300 सीसी की बुलेट बाइक आपने देखी होगी, जितने ज़्यादा सीसी का उतना ही बड़ा इंजन। और मीन इफेक्टिव प्रेशर, PV डायग्राम दोस्तों, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम जो होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम अगर आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। और पर यूनिट टाइम अगर आप देखेंगे कि इंजन किस स्पीड पर रन कर रहा होगा, तो आपको पावर मिल जाएगी दोस्तों। इसीलिए मीन इफेक्टिव, हो सकता है ये कैसा भी आड़ा तिरछा ऊंचा नीचा हो, मगर उसका मीन वैल्यू ले लेंगे, उसकी मीन वैल्यू से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कितनी है पावर डेवलप करता है स्वेप्ट वॉल्यूम और ये मीन इफेक्टिव प्रेशर। इसको गुणा कर देंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा, टाइम से डिवाइड कर देंगे पावर मिल जाएगी दोस्तों। आशा करते हैं आप समझ पाए। इफेक्टिव प्रेशर एंड सीसी ऑफ द इंजन इज वेरी गुड या वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन ऑर्डर टू गेस द पावर जनरेटेड बाई द इंजन। जैसे आप देखते हो ज़्यादा पावर का होगा दोस्तों, तो ज़्यादा चीज़ें वो कैरी कर सकता है। जैसे आपके शिप वगैरह हैं, बहुत पावरफुल उसमें इंजन होते हैं, और आपके जो डीजी सेट होते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने जो देखे हैं, 2000 KVA के, 2000 किलोवाट के, आप समझ लीजिए 2000 किलोवाट का IC इंजन, उसके अंदर मल्टी सिलेंडर IC इंजन, ये एक सिलेंडर है, ऐसे मल्टी सिलेंडर होंगे। कभी एक में पावर स्ट्रोक मिलेगा, कभी एक में सक्शन होगा, एयर फ्यूल मिक्सचर होगा, कभी एक में पावर स्ट्रोक। तो ओवरऑल आपके जो ये देख रहे हैं दोस्तों, कनेक्टिंग रॉड, इसके बाद क्रैंक, और वो घूमता रहेगा, और आपको रोटेशन एनर्जी मिल गई। फिर आप उससे चाहे तो अल्टरनेटर चला के बिजली बना लें, या अपना पहिया घुमा करके आप व्हीकल की तरीके से यूज कर लें, जैसे मर्जी, या फिर आप प्रोपेलर चला लें, शिप के जो प्रोपेलर होते हैं टर्बाइन जैसे, उसको चला लें, जो मर्जी वो चलाना है वो चला ले, आपको रोटेशनल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड सीसी ऑफ इंजन। धन्यवाद।